हेलो गाइस, दोबारा आपका वेलकम। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में आगे चलेंगे। लास्ट टाइम हमने एक दो न्यूमेरिकल्स किए थे और एक न्यूमेरिकल जो है वो हमारा मैंने आपको करने के लिए दिया था, उसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस न्यूमेरिकल, ठीक है जी। देखिए इसमें क्या था, इसमें मैंने आपको बोला था कि बड़ी सारी बॉडीज आइडेंटिकल ऐसे पड़ी हुई हैं। आइडेंटिकल मतलब वो हर एक चीज़ में सेम है, साइज में, शेप में, उनका स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ मटेरियल, एवरीथिंग ही सेम। अब जो पहली बॉडी है उसको हमने चार्ज दिया क्यू, और बाकी ये भी बॉडी न्यूट्रल है, ये भी सारी बॉडी न्यूट्रल है, ठीक है जी। सारी बॉडी जो है वो न्यूट्रल है, मतलब उनमें कोई चार्ज नहीं है। पहले मैं पहली इन दो बॉडीज़ को टच करूँगा, ठीक है। तो ये पहली आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई, पांचवी, छठी, सातवीं एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब मैं पहली और दूसरी को टच करूँगा तो क्या आ जाएगा, क्यू प्लस जीरो डिवाइड बाय टू। कितना चार्ज आएगा, क्यू बाय टू, यानी कि इसके पास भी अब क्यू बाय टू है, इसके पास भी क्यू बाय टू है, और दूसरे वाले के पास कितना आ गया चार्ज, क्यू बाय टू, ठीक है जी। फिर मैंने इसको और इसको टच किया, ठीक है जी। जब इसको इसको टच किया तो कितना चार्ज आया, क्यू बाय टू प्लस जीरो डिवाइड बाय, क्योंकि इसका चार्ज क्यू बाय टू है और इसका भी क्यू बाय टू हो गया। और ये दोनों जब टच किए तो इनका कितना आ जाएगा, क्यू बाय फोर। उसके बाद इसी तरह क्यू बाय फोर को डिवाइड करो, क्यू बाय फोर वाले को अगर टच करो वो कितना बन जाएगा, क्यू बाय एट, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं टच कर रहा हूँ तो जो चार्ज है वो कैसा बन रहा है, वो चार्ज दूसरे वाले पे जो चार्ज था वो क्यू बाय टू था, तीसरे वाले पे चार्ज जो है वो क्यू बाय फोर आ रहा है, चौथे वाले पे क्यू बाय एट। इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं, पहले वाले पे चार्ज क्यू टू की पावर जीरो, इसके पास चार्ज, दूसरे वाले के साथ इसके पास आ गया टू की पावर वन, फिर टू की पावर टू, फिर टू की पावर थ्री, है ऐसा। इसका मतलब ये चौथा, चौथे चार्ज, ये तीसरे चार्ज, ये दूसरे दूसरे वाले चार्ज के ऊपर कितना चार्ज है, टू की पावर वन, वन जो पावर है वो एक कम है इससे, तीसरे वाले के पास कितनी पावर है, एक कम। इसका मतलब nth वाले के पास कितना चार्ज आ जाएगा, क्यू की पावर टू, और टू की पावर एक कम है, यहाँ चार है यहाँ तीन है, तो वो कितना हो गया, एन माइनस वन। तो ये फाइनल आंसर है कि अगर ऐसे ऐसे करके हम टच करते जाएँ तो जो लास्ट में आएगा nth बॉडी उस पर कितना चार्ज होगा, Q डिवाइड बाय 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है जी। आई होप आपको सोल्यूशन पता चल गया होगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा नया काम जो है आज हम शुरू करेंगे वो है चार्जिंग अ बॉडी। अगला टॉपिक हमारा आ गया चार्जिंग अ बॉडी। वैसे तो ये जो जितने भी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं छोटे छोटे वीडियो डाल रहा हूँ, ये सारे एक ही लेक्चर में पढ़े जाते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करेंगे इनको। देखिए अब किसी भी बॉडी को हमें चार्ज करना है, वो चार्ज कैसे हो सकता है, ठीक है जी। सबसे पहला उसमें चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन से चार्ज कैसे होता है, देखिए मान लीजिए ये आपके पास एक मेटल बॉडी है, इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये दूसरी मेटल बॉडी है। इस दूसरी मेटल बॉडी के साथ अगर हम टच करें इसको तो क्या करेगा, टच करने के बाद ये जो ऊपर हमने पढ़ा यही होगा, ये चार्ज क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें टच करना, जस्ट टच करना, हमें कोई इसकी मूव नहीं करना, बस उसे एक बार टच करना है, तो कुछ चार्ज जो है वो इसमें से इधर भी आ जाएगा, ठीक है जी। और ये ज़्यादातर किसके केस में होता है, दिस ऑकर्स इन केस ऑफ मेटल्स, मतलब मेटल्स या कंडक्टर्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, चार्ज कर सकते हैं कंडक्शन से, ठीक है, क्योंकि चार्ज क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक को फ्लो कर जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी, ये ए बॉडी थी स्टार्टिंग में, ये ए बॉडी ए है, ये बी बॉडी है,
स्टार्टिंग में क्या था कि जो बी बॉडी थी वो न्यूट्रल थी, और ए से बी में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है जी। बी से ए में बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है, तभी इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये हुआ, दिस इज़ कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये एक मेथड है जिससे हम चार्ज कर सकते हैं। सेकंड वो आता है हमारे पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन से चार्ज कैसे होता है जी? अब फ्रिक्शन से चार्ज यहाँ पे क्या है कि जब हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात करते हैं तो हमें जो दो बॉडीज हैं देर शुड बी इंसुलेटर्स, ठीक है, टू बॉडीज शुड बी इंसुलेटर्स, इंसुलेटर होने चाहिए दोनों बॉडी। अब मान लीजिए हमने क्या किया, एक ग्लास रॉड ले ली, क्या ले ली, एक ग्लास रॉड ले। अब इस ग्लास रॉड को अगर हम किसी सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करें, रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, ठीक है, एक हमने कपड़ा लिया और उस कपड़े से हमने इसको रब किया, ऐसे ऐसे करके घिसा। अब रब करने से क्या हुआ, एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। दी इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे। अब ये हुआ कैसे, बेसिकली होता क्या है, जो दो बॉडीज हैं, वन बॉडी हैज लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़े से लूज हैं, ठीक है, एंड अदर बॉडी हैज लेस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, और उसमें लेस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, जिस बॉडी, मान लो ये बॉडी ए थी और ये बॉडी बी थी, इन दोनों बॉडी को जब हमने घिसा तो मान लो ए में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड थे और बी में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड नहीं, जब हम इसको रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन से एनर्जी मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब ये भी पहले न्यूट्रल था, ये भी पहले न्यूट्रल था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए, तो यहाँ कौन सा चार्ज रह गया। न्यूट्रल का मतलब है टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू जीरो, ये मतलब है न्यूट्रल का। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि चार्ज है ही नहीं, चार्ज है लेकिन जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव भी है, इसलिए उसको कहते हैं हम न्यूट्रल चीज़, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। हाँ, अब ये बॉडी ए थी, ये बॉडी बी थी। अब मान लो, मान लेते हैं कि बॉडी ए में 8+80 चार्ज था और -80 चार्ज था, तो न्यूट्रल होगी, ठीक है, फॉर बॉडी ए। और जो बी बॉडी थी उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, और से 6 पॉजिटिव चार्ज थे और 6 नेगेटिव, वो भी फॉर बॉडी बी। इनिशियली 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 ये केस था हमारे पास, ठीक है। और अब हमने इन दोनों को टच कर लिया, तो यहाँ से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, यहाँ से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो ए में कितने बचे, अब चार्ज, चार्ज ऑन ए कितना बचा, देखिए +80 तो था ही, 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो यहाँ कितना होता, -6 ही, चार्ज कितना हो गया, +2 ही। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसको कितना चार्ज मिलता है, पॉजिटिव, और चार्ज ऑन बी कितना आएगा, बी में जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो हिला नहीं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिले तो कितने बने, कितना बना, -2। इसका मतलब ये है
बी ए में से दो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो इसलिए इसका चार्ज टू ई हो गया, और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो चार्ज प्लस टू ई। अब इसमें एक और चीज़ प्रूव हो जाती है, पहले दोनों का चार्ज सब मिस करते थे हम, तो टोटल चार्ज जीरो आर था, और यहाँ पे अब देखो टोटल चार्ज प्लस टू ई माइनस फिर जीरो, इसका मतलब चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना, वो चीज़ भी यहाँ से प्रूव होगी। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल चार्ज। तो इसका मतलब जो ये जिसके पास प्लस माइनस नेगेटिव चार्ज है वो कौन सी बॉडी है, जिसके पास बाउंड इलेक्ट्रॉन थे, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आया वो बॉडी थी जिसके पास लूज थोड़े लूज थे इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से उसने दो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दिए और इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। ठीक है जी, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके पास नेट पॉजिटिव चार्ज आता है, जो गेन करता है उसके पास नेट नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है जी, इस तरह से हम चार्ज कर सकते हैं दो बॉडीज को, एक और तरीका ये। उसके बाद तीसरा आ गया हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन आ गया अगला। अब देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, आपने देखा होगा कि छोटी क्लास में पढ़ते थे कि अगर हमारे सूखे बाल हैं उसमें हम कंघी को रब करें और फिर हम वो कागज़ के पीसेस को अट्रैक्ट करती है। अब यहाँ पे भी आप देखोगे ये दोनों बॉडी जब इधर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी तो इसके बाद नेगेटिव सपोज ये अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन दोनों के पास चार्ज है। और लेकिन जब कंघी और कागज़ का एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ तो ऐसा है नहीं, वहाँ कंघी तो चार्ज कर लिया अपने फ्रिक्शन से, लेकिन कागज़ थोड़ी चार्ज है, कागज़ तो को चार्ज किया नहीं, फिर लेकिन वो कागज़ को अट्रैक्ट कैसे कर रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, मान लो ये कागज़ का पीस है और ये आ गई आपकी कंघी, ठीक है, ये कंघी आ गई। अब मान लीजिए कंघी के पास पॉजिटिव चार्ज है, उसको रब किया था हमने तो कंघी के पास पॉजिटिव चार्ज है, कंघी को इसके पास लाया तो कंघी क्या करेगी, अब इसमें तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, क्योंकि ये न्यूट्रल है दोनों चार्जेस हैं, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है लेकिन नेगेटिव कम है पॉजिटिव ज़्यादा। अब क्या हुआ कि यहाँ से जब इसको रब किया तो ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को दोनों को अलग अलग कर देगा। ठीक है, तो इसकी तरफ को कौन सा चार्ज आएगा, ठीक है, और ये इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा। ठीक है, ये जो चार्ज आते हैं जब हम किसी दूसरी बॉडी किसी चार्ज बॉडी की प्रेजेंस में किसी बॉडी को रखते हैं, इसको बॉडी ये मान लेते हैं, तो उस चार्ज बॉडी की प्रेजेंस में मटेरियल के सरफेस पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। कौन से चार्जेस हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस, और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब क्या है, नेगेटिव चार्ज इसके ज़्यादा पास है कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा पास है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इसको, तो इसलिए दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो ये बड़ा अच्छा स्कीम है। अब मान लो ये हमने इसको साथ ही रखा हुआ है और मैं इस बॉडी को क्या करता हूँ, अर्थ कर देता हूँ, ये अर्थ का साइन है, अर्थिंग, अर्थिंग का मतलब हमने अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया इसको, इसको मैंने अर्थ कर दिया। अब जब मैंने इसको अर्थ किया तो क्या हुआ, ये सारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, और ये मटेरियल किस क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसको फिर हम यहाँ से यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, फिर डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बस। तो इस तरीके से हम किसी भी बॉडी को पॉजिटिव, अगर मैं यहाँ पे लगा देता, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट था, अट्रैक्शन थी इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हो और नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हो। तो इसको ध्यान से एक बार लेक्चर अटेंड कर लेना, एक बार दो बार तीन बार जितनी बार भी आपको ईजी लगे, और फिर हम इसके बारे में कोई भी डाउट होगा आप मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ओके जी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, फिर हम वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके बाय।